झारखंड विकास मोर्चा और कांग्रेस पार्टी में जो तालमेल हुई है वो झारखंड की जनता की भावना को देखते हुए, झारखंड की जनता पिछले जो वर्षों में जिस प्रकार के बार बार सरकार गिर रही थी, बन रही थी, उठ रही थी, टूट रही थी, एक अस्थायी सरकार बनाने के लिए हम लोगों ने इनके साथ में तालमेल किया है ताकि हमारा जो मत है विभाजन नहीं हो सके। नहीं तो झारखंड विकास मोर्चा 81 सीट में तैयारी कर चुकी थी, पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने सभी सीट में अपना उम्मीदवार खड़ा करवाई थी जिसमें 10.5% मत प्राप्त हुआ था। और यही कारण है कि कांग्रेस के आलाकमान भी समझते हैं कि भाई एक साथ सुथरा पार्टी है झारखंड विकास मोर्चा जिसके पीछे यहाँ की जनता भी है, तो ऐसे समय में एक अस्थायी सरकार बनाना है, झारखंड की जरूरत भी है, झारखंड की जनता की भी मांग है, इसलिए हम लोग आपस में तालमेल करके इस बार का चुनाव लड़ रहे हैं। 19 सीट में हमारा कैंडिडेट है और 7 सीट में हम लोग आपस में दोस्ताना संघर्ष कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के संबंध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मुझे यहाँ पर्यवेक्षक बना के भेजा है ताकि चुनाव प्रचार सही रूप से हो और हमारी जीत सुनिश्चित हो। और हमारा जो उद्देश्य है कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस और के और हमारा सहयोगी दल झारखंड विकास मोर्चा की एक संयुक्त सरकार बने जो स्थिर सरकार हो, जो ईमानदार सरकार हो और जो सरकार झारखंड को विकास के रास्ते पर ले जाए। क्योंकि पिछले 9 वर्षों का अनुभव है यहाँ कोई भी सरकार स्थिर नहीं रही, अस्थिर सरकारों से लोगों का मन भर गया है, भ्रष्टाचार की जो नई घटनाएं सामने आ रही हैं उससे लोगों में आक्रोश बढ़ा है और लोगों का झुकाव और लोगों का आकर्षण कांग्रेस की ओर बहुत अधिक रूप से बढ़ा है। इसी विश्वास के साथ हम लोग इस चुनाव अभियान की तैयारी कर रहे हैं।